अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने डेज को एंजॉय कर रहे होंगे, स्पेशली दोज हु आर हियर इन मेलबर्न विंटर को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज तो बहुत ठंड है, इतनी ठंड है, सिंस यस्टरडे इट्स कंटिन्यूसली रेनिंग एंड इट्स जस्ट 1 o'clock और देख लें अंधेरा ऐसा हो रहा है जैसे जो है शाम के 6 या 7 बज रहे हैं। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है आप सबके लिए, स्पेशली फॉर दोज हु वाज कीप आस्किंग मी टू डू समथिंग ऑन द वेट लॉस मील, वेट लॉस ब्रेकफास्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू अ वेरी गुड रेसिपी, दिस इज वेरी गुड फॉर द ब्रेकफास्ट एंड दिस इज कॉल्ड द हाई प्रोटीन एग ऑमलेट। जी हाँ, ये हाई प्रोटीन एग ऑमलेट है। आपको पता है कि वेन वी आर ऑन अवर वेट लॉस जर्नी वी शुड कीप अवर सेल्फ फुल फॉर द लॉन्गर आवर्स। तो अगर आप ब्रेकफास्ट अच्छा करेंगे, हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे, सो इट विल कीप यू मेंटेन योर वेट एंड हेल्प यू टू फील यू नो द सेटिस्फाइड कि हाँ जी हमने एक अच्छा ब्रेकफास्ट किया है एंड यू फील फुल फॉर द लॉन्गर आवर्स, आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, सो आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार है और ईजी है और बहुत ही रिच इन प्रोटीन है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो, जस्ट अ रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड एंड फैमिली एंड कनेक्ट विद मी फॉर द मोर अमेजिंग वीडियो। तो चले शुरू करते हैं आज की बहुत ही यमिलीशियस डिलीशियस ब्रेकफास्ट, जो कि है हाई प्रोटीन वेट लॉस एग ऑमलेट। सो गाइज, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द मेकिंग ऑफ अवर टुडे रेसिपी विच इज हाई प्रोटीन एग ऑमलेट। जी हाँ, इट्स सो टेम्पटिंग, सो डिलीशियस एंड आई लव इट। सो सबसे पहले हमें चाहिए, एंड आई एम गोइंग टू मेक विद द टू एग्स। ठीक है, टू एग्स एंड यू कैन सी हियर आर मशरूम्स। मशरूम्स आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, इसमें आयरन बहुत अच्छे से होता है, सो यू कैन यूज़ दिस इन योर डाइट। ठीक है, इसके अलावा इसके और बहुत से बेनिफिट्स हैं, आई विल शेयर इट सून इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप हमें कुक करना है इस मशरूम को, एंड यू कैन टेक एनी मशरूम, स्मॉल मशरूम, बटन जो होते हैं बटन मशरूम्स, बेबी मशरूम, एनी काइंड ऑफ मशरूम यू लाइक यू कैन टेक फॉर दिस रेसिपी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग अ वेरी यमिलीशियस फुल प्रोटीन ऑमलेट, वी हैव टू कुक द मशरूम्स। ठीक है, तो चलें इसको मशरूम को कैसे कुक करना है आई विल शो यू। So yes, you can see I have added the oil and which oil I am taking. So this is for the weight loss. ठीक है, तो whenever you are on the weight loss journey, you can take either extra virgin olive oil or any olive oil, but it should be the olive oil, or you can use the coconut oil. Coconut oil कौन सा होता है जो pure organic coconut oil होता है। ठीक है, so I will make a video which oils are good for the weight loss soon inshallah ta'ala, and I will share all the details why we are using these kinds of oil while we are on your on our weight loss journey, iske kya benefits hain, or not only for the weight loss, aur bhi bahut se aise areas hain where the coconut oil and the olive oil is really good. So here I am taking 1 tablespoon, say bhi bilkul level karke na is tarah se liya humne yahan pe olive oil ko, भर के नहीं लेना है, 1 टेबल स्पून जो खाने वाला होता है उसको पूरा लेबल नहीं लेना है, थोड़ा सा काट के लेना है। सो इस तरह से ये हो गया। चलिए अभी गर्म होता है तो इसमें हम ऐड करेंगे मशरूम्स को, सो जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। सो वेज, यू कैन सी आई एडेड दिस मशरूम्स इन इट, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इस तरह से काट लिया है। सो इसमें जो वेजिटेबल्स है टोटली डिपेंड ऑन यू, यू कैन टेक स्मॉल क्वान्टिटी लार्ज क्वान्टिटी, बट फॉर द परफेक्ट size for the perfect measure with 2x you have take 2 spoonful of mushrooms. ठीक है, और हम इसको पकाएंगे, क्योंकि देखिए मशरूम में थोड़ा सा टाइम लगता है, वी कांट ऐड डायरेक्टली विद द एग्स। तो क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली ऐड करेंगे तो जो अंडे हैं एग्स जो है वो कुक हो जाएंगे और ये कच्चे जाएंगे। सो वी हैव टू कुक मशरूम वेरी वेल ताकि ये कच्चा पन की रॉनेस खत्म हो जाए एंड इट्स टेस्ट गुड। सो ये मशरूम यहाँ पे रेडी होते, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको, 2-3 मिनट्स में फिर भी रेडी। सो टिल द मशरूम विल गेट रेडी आई थिंक वी गेट रेडी फॉर द अदर स्टेप। ठीक है, चलें हम लोग अपने जो ऑमलेट का सेकेंड स्टेप करते हैं, टिल इट विल बी गेट रेडी। ठीक है, सो गाइस, यू कैन सी आई हैव टेकन 2 eggs इन द बोल एंड नो आई एम गोइंग टू बीट इट वेरी वेल। तो इसको अच्छे से बीट करना है। ठीक है, सो नो आई एम गोइंग टू बीट इट वेरी वेल एंड देन आई विल टेल यू वट आर द अदर इन्ग्रीडियंट एंड द स्पाइसेस वी हैव टू एड इन अवर एग्स।
So as you can see, I have grated the eggs very well and now I'm going to add the spices. So बहुत ही little जाएंगे, salt जाएगा इसमें. As usual, मैंने यहाँ use किया pink Himalayan salt. So always remember when you are on your weight loss journey or ना भी हो तो pink Himalayan salt is too good. I will share all the details why we are using the pink Himalayan salt. ठीक है. So ये चला गया and now I'm going to add some black pepper. Yes, black pepper. Why black pepper? Because black pepper is very good. It is good in antioxidant properties. ठीक है, ये आपका जो फैट बर्नर प्रोसेस होता है उसको बहुत अच्छे से इन्हेंस करती है. यस, ब्लैक पेपर इज़ रियली गुड फॉर द फैट बर्नर, यू कैन से फैट कटर, और जो आपके एरियाज जो होते हैं जहाँ पे बल्की होता है उसको ये बहुत अच्छे से वहाँ जाके टारगेट करती है. सो वेट लॉस के लिए ब्लैक पेपर इज़ डैम गुड. ठीक है, और भी आई विल टेल यू ईच एंड एवरी थिंग वॉट आई डिड ड्यूरिंग माई वेट लॉस जर्नी एंड स्टिल आई एम डूइंग. Yes, because I have to lose more kilos. Yeah. And now turmeric powder. A pinch of turmeric powder. So ye the sare iske spices jo isme chalega. Ab main isko se mix karti hu aur fir main aapko batati hu ki isme aur kya kya jayega. Ji viewers, so you can see I have added all the spices in the egg very well and it's beat very well too. ठीक है, आप इसमें जो वेजिटेबल्स जाएंगे वो जाएंगे अनियन, स्मॉल नहीं बल्कि मीडियम अनियन, और यू कैन से 1 tablespoon फुल ऑफ अनियन, हाफ टोमेटो, और आप हैंडफुल ऑफ स्पिनच, बेबी स्पिनच. तो ये इसके थे सारे वेजिटेबल्स. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द एग. हे व्यूअर्स, यू कैन सी आई हैव एडेड ऑल द वेजिटेबल्स इन इट एंड इट लुक्स सो यम्मी, ट्रस्ट मी. और इसको आप खाएंगे मजा आ जाएगा. ओके, लास्टली वी हैव टू ऐड अराउंड 1.5 tablespoon of milk. Ji haan, and I'm using. So as you can see, I have added all the vegetables in the egg and mix it very well. Now the last step is we have to add the milk in it, and I'm using here skim milk. ठीक है, जाहिर सी बात है, वेट कम करना है तो जबान के चटखारों को तो रोकना होगा ना. सो ऑलवेज यूज द स्किम मिल्क. ठीक है, या लो फैट मिल्क, अराउंड 1.5 tablespoon के करीब. क्यों ऐड कर रहे हैं? इसलिए कि जब आप ऐड करते हैं मिल्क इन द एग, इट गिव्स वेरी गुड टेक्सचर. ठीक है, यू गेट द कैल्शियम एंड प्रोटीन एंड द ऑमलेट विल गेट बिगर एंड फ्लफी. सो जब आप एक इतना बड़ा सा आपके सामने प्लेट भर के आएगा फूड का, सो आपके ब्रेन को भी सिग्नल जाएगा कि नाउ यू आर फुल एंड यू एट अ लॉट इन योर ब्रेकफास्ट. सो इट विल कीप यू फिल फॉर द लॉन्गर आवर्स. ठीक है, सो ये इसका पर्पस होता है. तो जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और अपने माइंड को सेटअप करना पड़ता है. ठीक है, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि आपने कैसे किया, क्या किया, बिकॉज या मेरा बहुत वेट हो गया था, बट स्टिल एज आई टोल्ड यू कि मैं अपने जर्नी पे हूँ बिकॉज ऑफ सम मेडिकल प्रॉब्लम. थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो गया, पर इंशा अल्लाह विद इन अ फ्यू डेज आई विल स्टार्ट ऑल दिस थिंग. ठीक है, बिकॉज मुझे भी लूज करना है भाई. और ठीक है, अच्छा ये हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू पुट इन द फ्राइंग पैन, लेट्स गो देयर. जी व्यूअर्स, यू कैन सी आवर मशरूम इज कुक्ड वेरी वेल. ठीक है, और अब हमारा जो है स्टेप वो है हम अपना ये अंडा, अंडा नहीं अपना अंडा, चिकन का अंडा, इसको सारे इसमें डाल देंगे. एंड ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आता है, आपको इतना फुल लगता है ना ये एग ऑमलेट, जिसकी कोई इंतहा नहीं, भूख ही नहीं लगती है. ट्रस्ट मी, जब आप लोग करेंगे ना, यू विल से यस आई वॉज राइट. ठीक है, ये देखें, इस तरह से इसको फैला दें, उसको अच्छे से कुक होने दें, और साइज़ आपने बड़ा ही रखना है. सो इट विल गिव यू द सिग्नल्स ऑफ फुलनेस कि आपने ज़्यादा खाया है, तो यू विल नॉट फील गिल्टी कि भाई मैं तो भूखी हूँ, मुझे भूख ही लग रही है. सो कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं जिसको फॉलो करना होता है, और अपने माइंड को, अपनी बॉडी को उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है. चलिए अब मैं इसको करती हूँ. ठीक है, हल्का सा मैंने फ्लो फ्लो ने थोड़ा सा जो लो है ना इसकी आँच, फायर की जो फ्लेम होती है उसको तेज़ करती है. आज कुछ थोड़ा मुझे सर्दी ज़्यादा लग रही, बिकॉज कल से इतना यहाँ पे विंटर जो है ना तबाही कुन आ गया, मुस्तकिल बारिश हो रही है. ठीक है, ये मैंने कर दिया, इसके एडजस्ट कर दिए फ्लेम को, उसको कुक करते हैं. बट ये अभी रेडी नहीं है, इसमें एक और भी स्टेप करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
So when it will be cooked, I will tell you what we have to add in it, which is very important. और चलिए जब तक मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ. ये देखिए जनाब, इस कदर ठंड, continuously raining, so cold, so much cold, बहुत cloudy, so cold. So here you can see I turned the side of the omelette. So ये इसकी नीचे की साइड है एंड सी इट्स कुक वेरी वेल. बस 1-2 मिनट्स में नीचे से ये और अच्छे से बन जाएगा. ठीक है, इस तरह से आपने इसको बनाना है. हो गया, अच्छे से कुक हो गया. बट आई गिव 2 more seconds, तो जो भी रॉनेस है ना ऐसे वो निकल जाए. ठीक है, ये कुक्ड होता है. इसके बाद मैं इसको सर्व करूँगी. बट हाउ वी हैव टू सर्व इट, देयर इज़ अ 1 more magic जिससे आपको मज़ा आ जाएगा और आप कहेंगे ये दिल मांगे मोर. चलें जी, मिलती हूँ आपसे इन फ्यू सेकेंड टिल इट इज डन ऑल वेरी वेल. ठीक है, सो वेज यू कैन सी आई हैव टर्न द साइड, सो इट इज़ वेल कुक्ड एंड आई एम जस्ट गिविंग 2 more seconds, सो द बॉटम साइड विल बी कुक्ड. मैंने इसको टर्न कर दिया था. येस, इट्स ऑलमोस्ट डन, यू कैन सी. ठीक है जी, ये हो गया है डन डना डन डन. बट इसको ऐसे सर्व नहीं करना है. व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ इट? सो इसके लिए मैं इसको सर्व करती हूँ. आई विल टेल यू कि इसका क्या लास्ट स्टेप है, हाउ वी सर्व इट. सो इट विल मेक यू फुल हैप्पी एंड यू विल एंजॉय योर ब्रेकफास्ट. सो लेट मी टेक इट ऑल ऑन द प्लेट एंड आई विल टेल यू द लास्ट स्टेप. सो एज यू कैन सी आई हैव सर्व द एग एंड व्हाट इज दिस ऑन द टॉप? जी हाँ, यही तो इसका मैजिक है. आपने ऑमलेट को सर्व करना है कॉटेज चीज़ के साथ. जी हाँ, वाई वी आर यूजिंग कॉटेज चीज़? बिकॉज हमें वो ब्रेकफास्ट खाना है जो आपको फुल रखे फॉर द लॉन्गर आवर्स. ठीक है, तो जब आप बहुत ज़्यादा देर तक फुल रहेंगे तो ऑफकोर्स आपको भूख भी नहीं लगेगी और आपका माइंड, आपकी बॉडी सेटिस्फाइड रहेगी. सो ऑलवेज यूज़ कॉटेज चीज़. देखिए मैंने यहाँ पे ये वाली कॉटेज चीज़ ली, क्रीम कॉटेज चीज़. दिस इज़ रियली गुड. ठीक है, 97% फैट फ्री. ठीक है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, गुड सोर्स ऑफ डायट्री फाइबर. तो जब आप वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, आपको अपने फाइबर का, हर चीज़ का, जो भी आप इनटेक करें उसका ख्याल करना पड़ता है. बिकॉज वैन यू ईटिंग हाई प्रोटीन डाइट, इट विल कॉज द कॉन्स्टिपेशन. उसको, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आपको फाइबर यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, तो आई विल टेल यू ईच एंड एवरी थिंग, ईच एंड एवरी स्टेप जो मैंने अपने वेट लॉस के लिए किए. बिकॉज मेरे भाई हैं, ही इज़ अ डॉक्टर, सो उन्होंने मुझे गाइड किया. तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं कैसे, क्योंकि मेरा बहुत वेट था, बहुत प्रोटॉन का हो गया था. इसके पीछे भी कुछ रीज़न थी, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, फिर मेरा बड़े भाई की. सो देट वॉज द अदर स्टोरी. बट इंशाल्लाह आई विल टेल ईच एंड एवरी स्टेप, क्योंकि आपको पता है कि ये भी सब कह जा रहा है. अगर मेरी वजह से किसी को बेनिफिट हो जाता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, और मुझे अल्लाह ताला ज़रूर इसका अजर देंगे. ठीक है गाइज, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, हाई प्रोटीन वेट लॉस एग की. सो गाइज, ये थी मेरी आज की रेसिपी, वेट लॉस, हाई प्रोटीन, फुल ऑफ एनर्जी एग ऑमलेट. ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और स्टार्ट हो जाए अपनी वेट लॉस जर्नी. शेयर करें अपने कमेंट्स को. और हाँ, अगर आपको मज़ीद कुछ जानना है रिगार्डिंग द वेट लॉस और वेट लॉस मील, व्हाटएवर, कमेंट्स करें, बताएं और मुझे फॉलो करें मेरे फेसबुक पेज पर भी, बहुत ही अमेजिंग कॉन्टेंट्स के लिए. ये सिर्फ मैं कह नहीं रही हूँ, लोग कहते हैं. द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो गाइज, इन्जॉय योर ब्रेकफास्ट. और हाँ, इसको आप चाहें, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक इट विद द ब्राउन ब्रेड. ठीक है, होल मील ब्राउन ब्रेड. बट फॉर रियली एक्सट्रीम वेट लॉस, माई ऑनेस्ट सजेशन इज दैट यू जस्ट टेक अ फोक एंड ईट इट. और इसके बाद आप लेंगे अपनी ग्रीन टी. अगर आपको ग्रीन टी नहीं अच्छी लगती है सुबह, जैसे कि मैं हूँ, आई एम टी लवर, सो मैं बनाऊँगी अपनी चाय, नॉर्मल चाय, बट इसके मिल के साथ. ठीक है, सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस रेसिपी एंड हियर इज द क्लोजर लुक. गाइज, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, ब्रेकफास्ट की रेसिपी, एंड आई होप यू रियली लाइक इट. और हाँ, जब भी आप लोग वेट लॉस जर्नी पे हो, हमेशा हाई प्रोटीन डाइट को अपने फूड में इंक्लूड करें, बिकॉज इट रियली हेल्प टू कीप यू फूड फॉर द लॉन्गर आवर्स एंड हेल्प टू रिड्यूस योर वेट. सो गाइज, वो तमाम लोग जो कि वेट कर रहे थे, शेयर करें मेरे साथ अपना कुछ वेट लॉस का
food, breakfast or dinner ki or snack ki recipe. So I'm working on it. Inshallah, I will share with you guys too. और अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू सून इन अदर एक्साइटिंग वीडियो. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.